अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा, एक टॉपिक मैं CVP शुरू करूंगा। उससे पहले ना एक कैलकुलेशन सीख लें। ये CVP में भी और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस में काम आ जाती है ये कैलकुलेशन। यानी मैं आपको भी किसी चैप्टर की हेडिंग देने से पहले एक कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। उसको कहते हैं हाई लो मेथड। ये मैंने कुछ चैप्टर की हेडिंग नहीं दी है, एक कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर CVP कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट शुरू करूंगा। हाई लो मेथड। एक मिसाल सॉल्व करके देता हूं, फिर उस मिसाल से बताऊंगा कि ये होता क्या है, इसकी जिंदगी का मकसद क्या है। अब से डिस्कशन में ऑनवर्ड जो मिसाल वगैरह भी बतानी है, उससे पहले हेडिंग दे रहा हूं केस वन। टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे चेंज नहीं होते, इसको मैंने केस वन कहा है। अच्छा, ये हाई लो मेथड क्या है ये बात आपको ना मैं पहले एक एग्जांपल सॉल्व करके देता हूं, फिर बताता हूं ये चीज क्या है। टोटल लेबर कॉस्ट फॉर लास्ट 4 months, मंथ, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और टोटल लेबर कॉस्ट। ये 4 महीने का एक डाटा दिया हुआ है, जनवरी में कितने यूनिट्स बनाए थे, टोटल लेबर कॉस्ट कितनी हुई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं और टोटल लेबर कॉस्ट है। इसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है
टोटल फिक्स्ड लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ, टोटल फिक्स्ड लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट मुझसे रिक्वायर्ड है, टोटल फिक्स्ड लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग हाई लो मेथड। इस डेटा के हवाले से कोई सवाल है तो पूछ लें, किसी को ये ना समझ आए क्या है इस डेटा के हवाले से। रिक्वायर्ड है मुझसे टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द मंथ और वेरिएबल लेबर कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग हाई लो मेथड। ये जो इस वक्त टोटल कॉस्ट दी हुई है लेबर की, इसमें कुछ परमानेंट लोगों की सैलरीज भी हो सकती हैं यानी फिक्स्ड भी हो सकती है, और कुछ लोगों को पर यूनिट के हिसाब से भी पैसे दिए जा सकते हैं। तो ये जो इस वक्त पैसे यहाँ लिखे हुए हैं इसमें फिक्स वेरिएबल खर्चे सब शामिल है। मैंने मिसाल लेबर कॉस्ट की रखी है, कोई और मिसाल भी हो सकती है। इसमें जस्ट ओवरहेड्स का वर्ड हो सकता है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये मेंटेनेंस हो सकती है, कुछ भी किसी भी मिसाल से ये चीज़ टेस्ट हो जाती है। तो मैंने इस वक्त लेबर को मिसाल रख लिया। तो ये जो टोटल रुपीज़ हैं ये डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे हैं, इतने यूनिट्स बने थे इतना खर्चा आया था, इतने यूनिट्स बने थे इतना खर्चा आया था। अब इसमें वेरिएबल भी है फिक्स्ड भी है, इन दोनों को अलग अलग जानना है हमने, क्योंकि खास तौर पे सीवीपी चैप्टर के अंदर हमें वेरिएबल खर्चे अलग चाहिए हुआ करेंगे, फिक्स्ड खर्चे अलग चाहिए हुआ करेंगे, और हो सकता है किसी और टॉपिक में भी जरूरत पड़ सकती हो, ज़्यादातर सीवीपी में होती है, इसलिए हाई लो मेथड इसमें ज़्यादा काम आता है। इस 39, 32, 56, 77 में वेरिएबल फिक्स दोनों हैं, इनको तोड़ना है। अब इसका हल मुख्तलिफ मेथड है, एक मेथड हाइलो मेथड है, और हाइलो मेथड ये है कि इस डेटा में से दो एक्सट्रीम्स ले लें, हाईएस्ट और लोएस्ट। अब वो एक्सट्रीम आप इनकी बेस पे भी देख सकते हैं, एक्टिविटी लेवल की बेस पे भी देख सकते हैं, इस फर्क नहीं होगा, कोई कंट्रडिक्शन नहीं होगी। हाईएस्ट एक्सट्रीम क्या है, ये 620 यूनिट्स, लोएस्ट तो एक ले लेते हैं हम लोएस्ट, एक ले लेते हैं हाईएस्ट। जिस महीने में ये 170 यूनिट्स बने थे कितना खर्चा आया था, और जिस महीने में 620 बने थे 77। अगर कॉस्ट होती ही बस फिक्स्ड, वेरिएबल होती ही ना, तो हर महीने में कॉस्ट सेम आती, लेकिन ये सेम नहीं आ रही, इसका मतलब वेरिएबल भी होगी। इन दोनों महीनों में जो फर्क है कॉस्ट में, वो फर्क वेरिएबल खर्चों की वजह से ही है। कितना फर्क है, 45,000। ये फर्क इसलिए आया, यानी ये मजीद कॉस्ट एक्स्ट्रा इसलिए बनी क्योंकि कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बने, 170 यूनिट्स बनाए थे, इतना खर्चा आया था। जिस महीने 620 बनाए खर्चा और आया, तो जितना ज्यादा खर्चा आया वो इन मजीद यूनिट्स की वजह से आया। तो ये 45,000 सारा का सारा प्योरली वेरिएबल है या सिर्फ फिक्स भी है, ये वेरिएबल ही है। तो अगर इतने यूनिट्स मजीद बनाने का इतना एक्स्ट्रा खर्चा है, तो पर यूनिट कितना, तो इससे निकल आया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 45,000 डिवाइडेड बाय 450। डेटा में से एक हाई और एक लो लेवल ले लिया, और अगर होते सिर्फ दो लेवल तो बस उन्हीं में से एक हाई और एक लो होता, ज्यादा है तो हाईएस्ट और लोएस्ट ले गए। ये हाई वाला डेटा था और ये लो वाला डेटा था, हाई और लो डेटा लिया, क्वांटिटी का फर्क लिया, रुपए का फर्क लिया, इस फर्क को इस फर्क पर डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आया वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अब इसी को यूज करके फिक्स कॉस्ट भी निकालते हैं। मैंने लेबर मिसाल ली है, मैंने भी मिसाल ही लेबर के लिए। अगर मैं यहां पर लिखता टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल ओवरहेड, तो ओवरहेड आ जाते हैं, मैंने तो भी लेबर की बात की है सिर्फ। वेरिएबल लेबर कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स लेबर कॉस्ट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ओवरहेड होंगे, लेकिन नाम मैं इस वक्त बस लेबर यूज कर रहा हूं, मिसाल लेबर की ले रहा हूं। ये मैंने इस वक्त निकाल ली लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब निकालते हैं फिक्स्ड लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ। ये जो आंसर निकला है इन दोनों में से किसी में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें से मर्जी यूज कर लें, सेम ही आना है। फिक्स्ड के लिए, अच्छा ये ना बिल्कुल शुरू शुरू में बिल्कुल नन्हे मुन्ने से थे आप लोग, जब मैंने वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट कराए थे, तो तब एक चीज पड़ी थी कि फिक्स कॉस्ट तो टोटल ही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, और ग्रैंड टोटल कॉस्ट
फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड कर दें। ये शुरू शुरू में काम किए थे, कुछ सवाल भी किए थे, उसमें फिक्स कॉस्ट ढूंढनी थी, वेरिएबल कॉस्ट ढूंढनी थी, टोटल कॉस्ट निकालनी थी। तो उसमें एक मुझे याद नहीं तब ये फार्मूले की शक्ल लिखी थी कि नहीं लिखी थी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इस तरह की पता नहीं शक्ल लिखी थी कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, इस तरह की बात बहरहाल की हुई है। ये इक्वेशन मुझे याद नहीं बनाई थी कि नहीं बनाई थी, लेकिन इस तरह से ज़रूर हुई है बात। अब इस इक्वेशन में ये पता है, ये भी पता लग गया, ये भी पता है, फिक्स कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। इन में से जो मर्जी यूज़ कर ले, मैं दोनों यूज़ करके दिखाता हूँ। पहले ये 170 वाला यूज़ करते हैं। इस लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी, 32,000। टोटल फिक्स कॉस्ट पता नहीं, प्लस पर यूनिट ये निकाली है अभी, इनटू यूनिट्स 170, तो इससे टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और अगर दूसरा लेवल यूज करना है वो भी ठीक है, 77,000 इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट पता नहीं प्लस 100 इंटू 620, तो यहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लें वो भी 15 ही आएगी। इसको हाई लो मेथड कहते हैं। और इस मेथड की जिंदगी का मकसद ये हुआ कि अगर हमें डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे टोटल कॉस्ट पता है तो हम उस टोटल में से वेरिएबल और फिक्स तोड़ सकते हैं। ये हाई लो मेथड की जिंदगी का मकसद है कि डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स में अगर टोटल कॉस्ट पता हो तो उनमें से वेरिएबल और फिक्स को तोड़ा जा सकता है। डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे टोटल कॉस्ट पता है तो हाई लो मेथड से उस टोटल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स्ड में तोड़ सकते हैं। नोटेड लिखे सवाल, टोटल FOH, टोटल FOH फॉर लास्ट 3 years, टोटल FOH फॉर लास्ट 3 years आर एज फॉलोज। ईयर लेबर आवर्स टोटल FOH, ईयर लेबर आवर्स और टोटल FOH, ईयर 1, 2, 3 लेबर आवर्स, कैलकुलेटर दिया है, लेबर आवर्स ईयर 1 में 24,500, ईयर 2 में 46,300, 40,300, और ईयर 3 में 31,000,
टोटल ओवरहेड्स लिखें, नाइन जीरो सेवन फाइव डबल जीरो, 907500, 907500, 9,07,500 ईयर टू में। वन सिक्स सेवन जीरो फाइव डबल जीरो और ईयर थ्री में 1135, 1135 ट्रिपल जीरो, 11,35,000 रिक्वायर्ड है आपसे। वेरिएबल एफओएच पर आर और फिक्स्ड एफओएच पर ईयर, यानी रिक्वायर्ड है वेरिएबल एफओएच पर आर और एनुअल फिक्स्ड एफओएच। जी डन, बड़े स्लो है यार अब तो, कॉस्ट एंड है अब तो, आप ऐसे ऐसे बिजली जैसे तेज हो गए होंगे। हाँ जी, लो कौन सा है? टू फोर फाइव डबल जीरो और हाई फोर सिक्स थ्री डबल जीरो। इस पे टोटल एफ ओ एच 907500 और इस पे 1670500। ये बन गया 218007630000। तो वेरिएबल एफ ओ एच पर आर हो गया थर्टी फाइव सबका।
ठीक है, ज़बरदस्त। और दोनों में से जिसको मर्जी यूज़ कर लें, चलो पहले को यूज़ कर लेता हूँ मैं। 9075003524500, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई 50,000। हो गया ना सबसे, मतलब और सवाल की ज़रूरत नहीं है, हो गया डन। केस टू, ये थोड़ी सी टेक्निकल हो गई बात। केस टू ये है कि फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट भी या दोनों में से कोई एक डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे चेंज होते जाएंगे, यानी स्लैब्स के साथ चेंज हो जाएंगे। स्टेप्ड कॉस्ट, शुरू में शायद मैंने ये नाम लिया हुआ है स्टेप्ड कॉस्ट। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कह रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल खर्चे ओरिजिनली पर यूनिट चीज़ है, फिक्स्ड कॉस्ट ओरिजिनली टोटल चीज़ है, तो ये डिफरेंट स्लैब्स पे डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट स्लैब्स पे डिफरेंट, इसकी मिसाल बताता हूं। इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ, इसमें भी हाई लो मेथड वही होगा, हाई लो मेथड एक ही है। दो एक्टिविटीज़ लेनी है, दोनों की क्वांटिटी और रुपए का डिफरेंस लेना है, रुपए के डिफरेंस को क्वांटिटी के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल पर यूनिट आ जाएगी, और उस वेरिएबल पर यूनिट को दोनों में से किसी में भी यूज़ कर लें तो फिक्स निकल आएगी। काम यही है, बस इस केस टू में थोड़ा सा टेक्निकल काम ये होने लगा है कि हाई लो कौन से वाले चूज़ करना है, ये इसमें एक एहतियात है बस। इस सवाल के लिए, यानी अब अगर ये वाला केस हुआ तो इसके लिए सवाल में बेशक डेटा फैला के दिया हो, आपके लिए जरूरी है कि आपने डेटा एक तरतीब से लिखा हो, चाहे वो कम से ज्यादा की तरफ हो चाहे ज्यादा से कम की तरफ हो, जैसे मर्जी, कम से ज्यादा की तरफ बेहतर है। हो गए छः, चल काफी। सवाल में केस वन है कि केस टू है, चल जाएगा पता, कुछ ना कुछ अंग्रेजी ऐसी बताई होगी कि ये पता चल जाएगा। ये जो मैंने इस वक्त यहां पर छः लेवल्स लिखे हुए हैं, सवाल में हो सकता है आपको पहले 160 लिखा हो, सवाल में जैसा डाटा दिया हो कि जनवरी में 160 था, फरवरी में 510 था, मार्च में 160 था, 130 था, अप्रैल में 570 था, मई में 340 था, आपको बेशक सवाल का डाटा जैसे मर्जी दिया हो, आपने उसको तरतीब से लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, ऐसे बेहतर है वैसे। एक तो ये सवाल में जिस तरह का मर्जी फैला के डाटा हो, आपने यूनिट को तमीज से लिखना। अच्छा, सिर्फ यूनिट को नहीं तमीज से लिख देना, इनके सामने जो कॉस्ट थी वो भी उसी के सामने ही लिखनी है, यानी सवाल में जो 160 के सामने कॉस्ट दी हुई थी वो 160 के सामने ही लिखनी है, सिर्फ यूनिट्स ही नहीं आगे पीछे कर देने। अच्छा तेईस हजार और
जिस महीने में 150 से ज़्यादा यूनिट्स बनते हैं ना, उसमें हमें ना कुछ सुपरवाइज़र रोल लाने पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से फिक्स कॉस्ट 5,000 बढ़ जाती है। यानी अगर 100 यूनिट्स बनने हैं और फिक्स कॉस्ट 20,000 है, अगर 100 यूनिट्स बनते हैं जिस महीने में, उसमें फिक्स कॉस्ट अगर 20,000 आती है, 120 यूनिट्स बनते हैं उस महीने भी 20,000 कॉस्ट आती है, 130 यूनिट्स बनते हैं उस महीने भी 20,000 कॉस्ट आती है, लेकिन जिस महीने 170 यूनिट्स बन जाते हैं उस महीने की फिक्स कॉस्ट 25,000 हो जाती है। ये मतलब है इस बात का। इसी भी महीने में प्रोडक्शन अगर 150 से ऊपर जाएगी, तो जो 150 से कम प्रोडक्शन में फिक्स कॉस्ट मंथली हुआ करती थी, उससे 5,000 ज्यादा हो जाएगी। जैसे इस महीने में नहीं, इस महीने में अगर फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपए थी, तो इन सब महीनों में 25-25-25 हुआ करेगी। ये मतलब है इस बात का। अगर इस महीने में फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपए थी, तो इन सब में 45-45 हुआ करेगी। इस अंग्रेजी का ये मतलब है। कम भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वेरिएबल में कम कर देता हूं। और अगर किसी महीने में प्रोडक्शन कॉस्ट 500 यूनिट से बढ़ जाती है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है 10 रुपये। यानी अगर इन महीनों में 400 रुपये पर यूनिट होती थी, तो इन महीनों में 390 रुपये पर यूनिट हो जाएगी। ये मतलब है समृद्धि का। अगर इन महीनों में 400 रुपये पर यूनिट हुआ करती थी, तो इन दोनों महीनों में 390 पर यूनिट होगी। ये मतलब है इन दोनों, इस दूसरी अंग्रेजी का। ये सवाल है, मंथ जो भी है, और इस सवाल की रिक्वायरमेंट है मुझसे फिक्स कॉस्ट पर मंथ और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वही जो पहले की रिक्वायरमेंट थी, फिक्स कॉस्ट पर मंथ और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सवाल वाला कहेगा हाई लो मेथड, बिल्कुल नहीं। आपको डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे डिफरेंट कॉस्ट दी हुई और वेरिएबल फिक्स तोड़नी हुई, तो लगेगा हाई लो मेथड। यानी ये नाम लेके नहीं कहा जाएगा, ये जब भी टेस्ट हुआ है वो वर्किंग में ही करना पड़ रहा होता है। जी लिखें तो मैं सॉल्व करूं। एक तो पहला काम यह करना है कि सवाल में जिस तरह से मर्जी डाटा दिया हो, आपने उसको फिर तरतीब से तमीज से लिखना है। उसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, वरना ये खराब हो जाएगा जो बताने लगा। सवाल में ये यूनिट्स जिस तरह मर्जी लिखे होते, आपने सॉल्यूशन में इनको तरतीब से लिखना है। बस जबानी याद होगी ना बात जो मैंने की है। अच्छा, अब जो वो दो चेंजेस बताई हुई हैं, उसका नक्शा बना लेते हैं। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट किन में एक है और किन में एक है? फिक्स कॉस्ट इसमें अलग है
बाकियों में अलहदा है। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस हैं इनके स्लैब्स पहचान लें। इसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट और इनके लिए फिक्स्ड कॉस्ट डिफरेंट है। इसी तरह से वेरिएबल के लिए भी स्लैब पहचान लें। फिक्स कॉस्ट की स्लैब पहचान लें और वेरिएबल की स्लैब पहचान लें। इन दोनों एक्टिविटी लेवल्स में, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है, टोटल फिक्स कॉस्ट भी सेम है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट है, फिक्स कॉस्ट सेम है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है। अच्छा, सेम से मुराद मैं जिन दो को पॉइंट आउट कर रहा हूं उनकी आपस की बात हो रही है। ये वेरिएबल कॉस्ट सेम है पर यूनिट, फिक्स चेंज हो रही है। तो अब इसमें हमने हाई लो मेथड तो लगाना है, लेकिन उसके लिए वो स्लैब चुननी है, विद इन दैट स्लैब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी वही हो, फिक्स कॉस्ट भी वही हो। अब आप चाहें तो ये वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लें, हाई लो मेथड लगा लें, या फिर चाहें तो ये वाला सिलेक्ट कर लें। क्योंकि विद इन दिस एरिया फिक्स कॉस्ट भी सब में सेम है, वेरिएबल कॉस्ट भी सब में सेम है। विद इन दिस एरिया फिक्स कॉस्ट भी इन दोनों में सेम है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है। ये नहीं ले सकते, ये चार पांच नहीं ले सकते, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बदल रही है दोनों की आपस में। चाहे इससे सवाल कर लें, चाहे इससे सवाल कर लें, दोनों सही है। एक बार अपना एरिया मार्क कर लिया, अब हाई लो मेथड लगा लें। जैसे अगर मैंने ये मार्क कर लिया तो बाकियों के इग्नोर कर दें, इस सवाल पे हाई लो मेथड लगा लें। कौन कौन से पिक कर लें? 430 और 160। अगर इससे सवाल सॉल्व करना चाहे इससे कर लें, नहीं दो। इससे सवाल सॉल्व करना चाहे नहीं कर सकते, एक ही है, तो कम अज कम दो तो होना। तो अगर डिफरेंट स्लैब्स वाला केस आ जाए तो आप पहले तो डेटा तरतीब से लिखें, उसके बाद वो एरिया डिफाइन कर लें विद इन विच एरिया इनके आपस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम रह रही हो और फिक्स कॉस्ट भी सेम रह रही हो। ये सेम वाली बात नहीं समझ? अब इन दोनों में से जिसको मर्जी सॉल्व कर ले, मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूं। मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं, इसको एक ले लेते हैं 430 यूनिट्स में डिफरेंस 270 कॉस्ट में डिफरेंस, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 30। और फिक्स्ड के लिए भी इन दोनों में से किसी को भी यूज कर लें, 31,000 माइनस 160 इंटू 100 15,000। अच्छा, ये भी फाइनल आंसर नहीं आया। फाइनल आंसर ये है कि आप इसकी कैटेगरीज बताएंगे, फॉर प्रोडक्शन बिलो, बल्कि अप टू 150 यूनिट्स। इस कैटेगरी के लिए ये जो हमने अभी इस वक्त सवाल सॉल्व किया है, ये इस कैटेगरी के लिए है या 150 से बिलो के लिए है? ये है अबव के लिए है ना, तो ये तो अबव वाले का सवाल है। इसमें क्या होगा? ये तो यही होगी, फिक्स कॉस्ट 5,000 कम होगी। यानी ये जो अभी हमारा आंसर निकला हुआ है, 100 रुपए तो सेम है, ये 15 की बजाय 10 होगा। तो हम कहेंगे 150 यूनिट तक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यही है जो हमने निकाली हुई है, 100, और फिक्स कॉस्ट है 10,000। 15 निकालिया ना हमने, तो ये 5,000 बढ़ी हुई है, पहले 10 होती थी।
अच्छा फिर अगला स्लैब क्या है? ये क्यों है ये अगला स्लैब? क्योंकि फिर इसके बाद वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि फॉर मोर देन 150 यूनिट्स बट अप टू 500 यूनिट्स। इसमें क्या कहें? यही जो भी हमने सॉल्व करके आंसर निकाला है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100 और फिक्स कॉस्ट, ये जो भी सॉल्व किया हमने 15,000। और तीसरी स्लैब सवाल में क्या है? 500 से ऊपर फॉर प्रोडक्शन अबव 500 यूनिट्स जी वेरिएबल कॉस्ट 90 हो जाएगी, फिक्स्ड 15 ही रहेगी। ये है स्लैब्स वाले डाटा पे हाई लो मेथड, कि पहले डाटा तरतीब से लिखें, हाई से लो की तरफ लिख लें बेशक, फिर उसमें स्लैब्स आइडेंटिफाई कर लें और एक स्लैब उसको कहें कि विद इन दैट स्लैब जितनी भी एक्टिविटीज लिखी हुई हैं उनकी आपस में टोटल फिक्स कॉस्ट भी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है। जब स्लैब्स आइडेंटिफाई कर लें तो फिर किसी भी एक स्लैब पे हाई लो मेथड लगा दें और फिर उस आंसर से अपनी स्लैब्स के मुताबिक अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट लिख लें। क्या जाएगी वाला फन 50 से ज्यादा होंगे लेकिन 500 तक होंगे। अच्छा अब आप ये सवाल करिए तीसरे वाले स्लैब को यूज करके, तीसरे वाले को यूज करके वो फिर आप जब सीवीपी का सवाल कराऊंगा ना फिर ये देख लेंगे इसमें वर्किंग्स में किस हद तक करने की जरूरत है, क्या ये सारा करना पड़ेगा नहीं।
जी। अब अगर इसको सॉल्व, ये नोटेड ना, अगर मैं ये यूज कर लूं, तो 570 510 6630 6090, इसका डिफरेंस 60, इसका डिफरेंस 5400 5400 ओवर 60 90, इनमें से कोई भी यूज़ कर लें। 6600 माइनस 570 इंटू 90 15000। अच्छा, मैंने अब ये तीसरा वाला स्लैब यूज़ किया है, तो ये आंसर इस तीसरे स्लैब का। इससे ऊपर वाले स्लैब्स में वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा अब ये 10 रुपये कम हो क्या ये, तो इससे ऊपर वाले सब में 100 100, ये 15000 इस स्लैब में है, इसमें भी 15 थी, इससे पहले वाली में 10। तो जिस भी स्लैब को सॉल्व करें आप, देखें वो स्लैब आप वाले में से कौन से का आंसर है, उससे अगले पिछले स्लैब्स के आंसर फिर उस सवाल के मुताबिक बन जाएंगे। तो स्लैब्स अगर आ जाएं तो फिर सबसे पहले तो डेटा आपने अरेंज करना है, फिर उसमें स्लैब्स आइडेंटिफाई करने ऐसे कि विद इन वन स्लैब जितनी यूनिट्स लिखे हुए उन सब में टोटल फिक्स कॉस्ट भी एक जैसी ही हो और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी एक जैसी ही। उसके बाद हाई लो मेथड किसी भी एक स्लैब पे लगा लें। चलिए एक इसका और कर दें बस, फिर ये बहुत है, फिर सीवीपी कराता हूँ। सवाल लिखें, यूनिट सोल्ड और सेलिंग एक्सपेंसेस। यूनिट सोल्ड बताऊंगा, यूनिट सोल्ड बताऊंगा और टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस बताऊंगा। टू 30 यूनिट्स, और इसके सामने टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 15450, 15450। फिर लिखें 170 यूनिट्स, बारह 550, 12550। फिर लिखिए 320 यूनिट्स, 320 320 यूनिट्स, 16800। फिर लिखिए 370 यूनिट्स, 21290 21290 21290 21290 चलिए ये यूनिट्स काफी हैं। उसके बाद लिखिए फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज बाय, अच्छा ये ना ये आखिरी फिगर ठीक करिए, आखिरी फिगर मैंने क्या बताई है, 370 यूनिट्स, नहीं 21 नहीं है, 18000, 18290 मानी 21 की बजाय 18 है, 18290 है आखिरी फिगर, 21290 नहीं है, 18290 है। अच्छा जी, क्या कहा मैंने, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज बाय 20% इफ सेल्स एक्सीड
200 यूनिट्स। नेक्स्ट लिखें वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 2 रुपए पर यूनिट, इफ सेल्स एक्सीड थ्री फिफ्टी यूनिट्स। आपसे रिक्वायर्ड है टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस, आपसे रिक्वायर्ड है टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस इफ 440 यूनिट्स आर सोल्ड, यानी अगर 440 यूनिट्स बेचे जाएं तो टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे। करें क्या
जी डन यू आर डूइंग अच्छा अगर तो अपनी वैसे ही प्रैक्टिस के लिए उसी तरह तीन टुकड़ों में लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, वरना ज़रूरी नहीं कि मासूम बच्चों की तरह पूरा कॉपी करें। मैंने जो पूछा है बस उसका आंसर निकालना है, इसके लिए ज़रूरी तो नहीं है कि आप लिखें फॉर अप टू 150 यूनिट्स और फ्रॉम इतने टू इतने फिर फ्रॉम इतने टू इतने फिर फ्रॉम हर स्लैब, तो ज़रूरत भी नहीं निकालने की, जो पूछा है बस उसके लिए आंसर कर दें। हाँ वैसे अपने लिए तीनों स्लैब्स करना चाहें तो ज़रूर करिए। 17 और टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस पूछे थे मैंने। पहले तो डेटा लिखेंगे तरतीब से, जी सबसे पहले 170 सबसे पहले तो रेंज होगा ना, वरना तो स्लैब्स ही ठीक नहीं बनेंगी। नहीं 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 स्लैब्स बनाने के लिए पहले अरेंज करके लिखना है, फिर 230 320 370 बस यूनिट्स अरेंज करने हैं तो कॉस्ट भी इन्हीं वाली लिखनी है इनके साथ, 230 वाली 15 320 वाली 16 800 18290 इनमें से स्लैब्स बनाते हैं। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस कब चेंज हो रहे हैं, 200 से ऊपर चेंज हो रहे हैं, यानी फिक्स्ड के लिए एक ये है और एक ये और वेरिएबल अब इसमें से हमने कॉमन वाला पोर्शन लेना है वो बनता है ये वाला। तरतीब से लिखें फिक्स की स्लैब वेरिएबल की स्लैब और उनमें कॉमन वाला एरिया। अब इसको लेके सवाल सॉल्व करते हैं, तो 320 है तो 16800 और 230 है तो 15450 90 1350 तो 1350 डिवाइडेड बाई 90 15 और इनमें से किसी एक को सॉल्व कर लें, 15450 माइनस 230 इंटू 15 12000। ये अभी इस वक्त आंसर आया है इस स्लैब का। मैंने ये नहीं कहा कि तीनों स्लैब्स के रेट बना के लिखें, वैसे अपने लिए बनाना चाहें तो बना लें। पूछा है मैंने कि अगर 440 बेचे तो क्या होगा, किस स्लैब में फॉल करेगा, थर्ड। तो ये डेटा जो हमने बनाया है वही इसके लिए एज इट इज एप्लीकेबल नहीं है, हमें वेरिएबल कॉस्ट को 15 की जगह 17 करना पड़ेगा क्योंकि 440 यहां फॉल कर रहा है, तो जब यहां जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट 15 से 2 रुपए बढ़कर 17 हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट इसी स्लैब वाली ही रहेगी। तो इसलिए पूछा था टोटल सेलिंग कॉस्ट फॉर 440 यूनिट्स, तो वेरिएबल हो गई 17 इंटू 440 74 और फिक्स्ड यही वाली चल जाएगी। तो यहां से इंक्रीज था ना, अब मजीद इंक्रीज तो नहीं होना, ये वो इंक्रीज्ड वाला ही है जो निकाला हुआ है। 100 यूनिट्स बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी, 10000। अगर बनाएंगे नहीं 100 यूनिट्स बेचेंगे, अगर 100 यूनिट्स बेचेंगे यानी इस क्लास में, तो इस स्लैब का आंसर 12000 फिक्स कॉस्ट है, इससे पहले वाली का क्या था 10000, तो वो रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए नहीं थी वो वाली क्लास। ये हाई लो मेथड है जी, कल इंशाल्लाह CVP शुरू करते हैं जी। जी नहीं 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 ये बाकी लोग भी सुनिए, ये जो हाई लो मेथड जब लग रहा होता है ना तो वो ऐसे नहीं होगा कि जैसे 440 हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले 200 पे 15 रुपए या अगले 200 पे इतना, ऐसा नहीं है। 440 तो फिर सारे के सारे 440 पे 17 रुपए, जैसे वो काफ़ी पहले डिसीजन मेकिंग का सवाल किया था तो लेबर ने कहा था कि अब तो हम पुरानी यूनिट्स पे भी 500 रुपए और लेंगे, वो एक दुश्मन के 6000 यूनिट्स बनाने थे हमने 4000 यूनिट्स बनाने थे, तो हाई लो मेथड लग ही तब रहा होगा जब स्ट्रेट अवे सब पे 17 रुपए का खर्चा आ रहा होगा, पूरे 440 पे 17। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।